अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मौजूद हूँ मैं जी प्रिंसेस आइलैंड में, और ये मेरा आउटसाइड लास्ट व्लॉग होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया लॉकडाउन की। कल से यानी कि 29 तारीख से लेके अगले महीने की जो 17 तारीख है उस वक्त तक यहाँ पर तुर्की में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इसमें सीन ऐसा है कि चूँकि कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, डेथ रेशो ज़्यादा हो रही थी, तो गवर्नमेंट फिर मजबूर होगी इस तरह के लॉकडाउन करने में, क्योंकि लोग जो थे वो मैंने देखा कि यहाँ पर तामुन नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट बार बार कह रही थी सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, लेकिन मैंने देखा कि लोग मास्क मैंने बस हल्का सा नीचे कर लिया उसको। मैंने भी मास्क के लिए वीडियो के लिए देखे, मैंने हाथ में बांधा हुआ है, वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा नीचे किया है और मेरे आसपास लोग भी नहीं हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा यह है कि लोग चूँकि SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट मजबूर होगी फिर लॉकडाउन करने पर। इसके अलावा ऐसा है कि खाने पीने की दुकानें जो हैं उनको अलाउ किया गया है कि मखसूस टाइम तक वो खुली रहेंगी, कल में सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। इसके अलावा तमाम बाज़ार, मार्केट्स, फैक्ट्रीज़ और रेस्टोरेंट्स, उन्होंने कहा जी ये मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे 17 तारीख तक अगले महीने की। थोड़ा बहुत असर तो उसका होगा, लाजारी बात है, माशी तौर पर लोगों को परेशानी तो होगी। जॉब्स के सीन पहले भी नहीं थे, अब तो उन्होंने बिल्कुल ही पटाई बिठा दिया उन्होंने, यानी कि अब तो बिल्कुल किसी को जॉब नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये है कि कोरोना के केसेस वो देखेंगे मज़ीद 17 तारीख के बाद कि अगर केसेस कम हुए कोरोना के, इस लॉकडाउन का अगर अच्छा असर पड़ा, केसेस कम हुए तो उसमें नरमी कर दी जाएगी यानी कि लॉकडाउन में, और अगर केसेस फिर भी बढ़ते रहे तो उसका यानी कि उन्होंने कहा है कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। स्कूल पहले भी बंद थे, जुज़वी तौर पर थोड़े से खुले थे, अब उन्होंने वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो TRC कार्ड वाले हैं उन पर भी कानून लागू होगा ये लॉकडाउन का हवाले से, कि वो भी घरों में रहेंगे विदाउट सॉलिड रीज़न, यानी खाने पीने की चीज़ों के अलावा अगर वो बाहर घूमते फिरते हुए पाए गए तो उनको जो है वो फ़ाइन पड़ेगा 1000 लीरा से अबव। लोकल लोग जो हैं वो उनको 3150 लीरा जो है वो उनको फ़ाइन है। जो विजिट वीज़ा वाले हैं यानी कि पासपोर्ट उनके ऊपर विजिट वीज़ा लगा हुआ है, तो उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि वो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक घूम फिर सकते हैं, लेकिन वो भी उनको मदद क्या आएगा, सारा कुछ तो बंद होगा, टूरिस्ट प्लेस तो बंद होगी, लेकिन उनको घूमने फिरने की थोड़ी सी इजाज़त उन्होंने दी हुई है। मैं अब ऐसा करूँगा कि घर में बैठूँगा, जारी बात है जैसे सब लोग बैठेंगे घरों में क्वारंटाइन वाला सीन ही होगा। मैं इसको ऐसे यूटिलाइज़ करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुर्किश लैंग्वेज सीखूँगा, प्रैक्टिस करूँगा घर में, और एक दो दोस्त से हेल्प लूँगा ऑनलाइन उनसे तुर्की ज़ुबान सीखने की। जितना मेरी कोशिश होगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी प्रैक्टिस करूँ, तुर्किश लैंग्वेज की बोलूँ, इसको लिखूँ, ताकि इसका मुझे जो है वो फर्दर इसका फ़ायदा हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।